नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर हमारा बिहार। भाइयों और बहनों, बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है और इसी तरह की और भी बड़ी खबर सच्ची खबरों के लिए हमारा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके और लोग जागरूक हो सके। चलिए पहली खबर से शुरुआत करते हैं। बीजेपी ने कांग्रेस को लिया आड़े हाथ, कहा रेल कर्मियों के दान का मजाक उड़ा रही है कांग्रेस पार्टी। कोरोना महामारी को लेकर नेता अलग अलग तरीके से राजनीति कर रहे हैं। कोई मजदूरों को वापस बुलाने का मसला उठा रहा है तो कोई गरीबों को अनुदान देने को लेकर राजनीति कर रहा है। किसी के लिए भी यह मुद्दा है कि कौन कितना राशि इस कोरोना आपदा फंड में दे रहा है। रेलवे की तरफ से 151 करोड़ रुपये देने के मामले को कांग्रेस ने उठाया तो बीजेपी के नेता कांग्रेस पर हमलावर हो गए। इधर मामला को बढ़ता देख प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने संभाली कमान। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस को जवाब देते हुए कहा है कि अब दान को लेकर भी कांग्रेस राजनीति कर रही है, जबकि रेलवे के कर्मचारियों ने एक एक दिन का वेतन इकट्ठा करके इतनी बड़ी रकम जुटाई है। कांग्रेस रेलवे के दान का मजाक उड़ा रही है। वास्तव में देश हित में काम करने वालों को अपमानित करना कांग्रेस की आदत बन चुकी है। यही वजह है कि कभी वो आर्मी पर सवाल खड़े करती है तो कभी रेल कर्मियों पर। आइए दोस्तों आते हैं आज की अगली खबर। बिहार के कई जिलों में मंगलवार को हुई मूसलाधार बारिश और वज्रपात के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वज्रपात से समस्तीपुर, जहानाबाद, बांका और पटना में कई 6 लोग की मौत हो गई। राजधानी पटना से सटे दुल्हिन बाजार के फतेहपुर गांव में वज्रपात से 2 युवक की मौके पर मौत हो गई है। तेज बारिश से बचने के लिए ये युवक पेड़ के नीचे छुपे हुए थे, तभी इन पर आकाशीय बिजली गिर पड़ी जिससे इनकी मौत मौके पर ही हो गई। मौत की सूचना पर गांव में कोहराम मच गया। दोनों मृतक छोटन यादव दनीश मियां दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव के निवासी थे। वहीं सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर के अशरफ जग में भी एक महिला की मौत वज्रपात गिरने से कारण हो गई। चलिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है पटना से। पटना में डबल मर्डर हुआ है। महज 5 घंटे के दौरान 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दरअसल बिहार में लॉकडाउन के दौरान भी अपराध की वारदातों में लगातार इजाफा हो रहा है। ताज़ा मामला पटना के बाढ़ अनुमंडल से जुड़ा है, जहां अलग अलग थाना क्षेत्रों में गोली मारकर 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। हत्या की इन 2 वारदातों से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं लॉकडाउन के दौरान चौकसी में लगी पुलिस और प्रशासन के भी हाथ पैर फूलने लगे हैं। दरअसल विवाद का मुख्य वजह जमीनी विवाद बताया जा रहा है। पहली घटना भदौर थाना क्षेत्र की है। भदौर थाना के चेचनिया गांव में लगभग 2 बजे रात को 2 महीने से चल रहे पुराने विवाद को ले एक शख्स की पड़ोसियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। आनन फानन में गोली लगने से जख्मी युवक को हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता रविंदर महतो को भी पैर में गोली लगने की बात कही गई है, मगर पुलिस ने इसे मानने से इनकार कर दिया है। एक खबर आ रही है, UGC की गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि बंदी में भी छात्रों की मानी जाएगी उपस्थिति। लॉकडाउन के दौरान कॉलेज बंद होने की स्थिति में भी छात्रों की उपस्थिति मानी जाएगी। UGC की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार करीब 1.5 महीने से कोरोना महामारी के कारण बंद पड़े कॉलेजों के छात्रों की हाजिरी नहीं रोकी जाएगी। इस दौरान छात्र ऑनलाइन कक्षाएँ करते रहेंगे। यह स्नातक व PG दोनों कोर्स के छात्र छात्राओं के लिए मान्य होगा। छात्रों को शिक्षकों से ऑनलाइन माध्यम से संपर्क करना होगा। दरअसल UGC की ओर से कोरोना के कारण बने हालात और छात्रों की पढ़ाई के नुकसान को कम करने व लॉकडाउन में पढ़ाई जारी रखने व परीक्षाएं कराने के विकल्पों के लिए बनाई गई कमेटी के ये सुझाव हैं। लॉकडाउन और लंबा चला तो शिक्षक छात्र की सक्रियता के आधार पर ही इंटरनल असेसमेंट भी देंगे। UGC ने दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि 25% स्टडी ऑनलाइन ही होगी। आइए दोस्तों आते हैं आज की अगली बड़ी खबर पर। आपको बता दें कि बिहार में तेज बारिश की वजह से हुई भारी नुकसान। आपको बता दें कि मंगलवार की सुबह सुबह तेज बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई, मगर मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर चुका था। दुखद बात यह है कि तेज बारिश के कारण फसलों को काफी नुकसान हुआ है। चलिए चलते हैं अगली खबर पे। बिहार का लाल संतोष भी जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा आतंकी हमले में शहीद हुआ। आज पहुंचेगा उनका पार्थिव शरीर। दरअसल जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों से हुए मुठभेड़ के दौरान आतंकियों से लोहा लेते हुए देश के 3 जवान शहीद हो गए। शहीद हुए तीनों जवान बिहार, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के रहने वाले थे। तीनों जवानों में से एक जवान बिहार के औरंगाबाद के रहने वाले CRPF कांस्टेबल संतोष कुमार मिश्रा थे, जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। उनकी शहादत पर आज पूरा बिहार गर्व कर रहा है। तो चलिए चलते हैं अब अगली खबर पर। कोटा से दरभंगा पहुंचे छात्र छात्राएं। कोटा से छात्र छात्राओं को लेकर विशेष ट्रेन 2 घंटे की देरी से सुबह 8 बजे दरभंगा जंक्शन पर पहुंची। 22 कोचों में बैठे छात्र छात्राओं को बारी बारी से उतारा जा रहा। एक बार में 2 कोच से छात्रों को उतारा जा रहा।
जंक्शन पर तैनात कर्मी सभी की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। विद्यार्थी की अनुमानित संख्या करीबन 600 है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस लॉकडाउन में सोना सस्ता हुआ है। हाँ, फिर से सोना सस्ता हुआ है। जी हाँ, सोना और चांदी फिर से गिरावट आ चुकी है। यदि आप सोना खरीदना चाहते हैं तो सोना आपको 170 रुपया सस्ता मिलेगा। सोना का अभी रेट 10 ग्राम का 45,747 रुपया हो गया। और चांदी का बात कर रहे हैं तो चांदी 590 रुपये का घटा हुआ चुका है।